नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं वरिष्ठ चिकित्सक एवं चिकित्सा विज्ञान के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल द्वारा लिखी गई लेख जिसका शीर्षक है दिल का दौरा और एंजाइना। डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने अनेक रोगों के लक्षण और रोग निदान के उपायों पर कई सारे लेख लिखे हैं। वर्तमान में वे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ आचार्य के पद पर सेवारत है। उन्होंने औषध विज्ञान संबंधी विषयों पर संशोधन लेख भी प्रस्तुत किया है। डॉक्टर यतीश अग्रवाल की प्रमुख पुस्तकों में 100 लैम्प्स, डॉक्टर बाबू, रिवर्सिंग बैक पेन, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट केयर आदि प्रमुख है। आज के सामाजिक संघर्ष और तनाव से भरे जीवन में दिल का दौरा एक सामान्य बीमारी है, इसलिए डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने विद्यार्थियों को दिल का दौरा और एंजाइना जैसी घातक बीमारी से अवगत कराने के उद्देश्य से इस लेख का चयन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस लेख को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। आज वैज्ञानिकों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के द्वारा जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। चिकित्सा शास्त्र के अनुसंधानों ने भयंकर बीमारियों का भी इलाज सरल बना दिया है। एक जमाने में दिल का दौरा और एंजाइना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन आजकल इन बीमारियों का उपचार सबके लिए आसान हो गया है। हमारा हृदय शरीर का मुख्य अंग है। यह शरीर के प्रत्येक अंगों तक रक्त पहुंचाता है। यह काम दिल की दो कोरोनरी धमनियों और उनकी शाखाओं के द्वारा किया जाता है। जब किसी कारण से दिल की धमनियों या उनकी शाखाओं में सिकुड़न आ जाती है तो रक्त का प्रवाह ठीक तरह से नहीं हो पाता है और दिल खून को पंप करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे समय में हृदय को ऊर्जा पहुंचाने वाली किसी एक धमनी में अचानक रुकावट आ जाने से दिल का दौरा पड़ता है। जब रक्त का प्रवाह ठीक से ना होने पर मनुष्य कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है तो इसी को एंजाइना कहते हैं। अगर दिल का दौरा उग्र रूप है तो एंजाइना उसका हल्का रूप है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, मानसिक तनाव, तंबाकू का उपयोग और मदिरा पान जैसे कारणों से दिल का दौरा पड़ता है। यह अनुवांशिक रोग भी है। नियमित रूप से व्यायाम न करना भी एक प्रमुख कारण है। किसी भी उम्र के व्यक्तियों को दिल का दौरा पड़ सकता है। जब सीने में असहनीय पीड़ा होता है तो समझना चाहिए कि दिल का दौरा पड़ा है। यह दर्द बाएं कंधे, गर्दन, बाह और अंगुलियों के पैरों तक फैलता है। इसके साथ ही पसीना भी छूटने लगता है। एंजाइना रोग के निदान के कुछ उपाय हैं ईसीजी और ट्रेडमिल नामक टेस्ट। अगर इन टेस्ट से रोग का पता नहीं लगता है तो कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने से रोग का पता जरूर लगता है। हार्ट अटैक की जानकारी ईसीजी और खास तरह के ब्लड टेस्ट के द्वारा मिलती है। बाद में जरूरत होने पर दिल का न्यूक्लियर स्कैन कराने के द्वारा दिल की सही स्थिति का पता चलता है। बायपास सर्जरी से रुकी हुई कोरोनरी धमनी को बायपास करने पर दिल के उस भाग को फिर से पूरी खुराक मिलने लगती है। दिल के दौरे का निवारण करने के लिए रोगियों को कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। तेल मसाले से परहेज करना, धूम्रपान नहीं करना, मदिरा पान नहीं करना, मानसिक तनाव से दूर रहना, रक्तचाप और मधुमेह को नियंत्रण रखना आदि का पालन करने से हम दिल की बीमारी से बच सकते हैं। दिल की बीमारी घातक है, लेकिन अब इसका इलाज होने लगा है। आज बड़े बड़े शहरों में हृदय रोगों के विशेषज्ञ मिलते हैं। जब कभी दिल की बीमारी की भनक लगती है तो तुरंत हृदय विशेषज्ञों के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।